पार्लर के महंगे फेशियल ब्लीच भी भूल जाएंगे अगर एक बार आप मेरे बताए गए तरीकों से इस रेमेडी को लगा ले तो। स्किन पे पड़ी झुर्रियाँ झाइयाँ ये सब दूर होने लग जाएगी और एक बार में ही आपका स्किन बहुत ही ज्यादा ग्लोइंग ब्राइटनिंग एंड व्हाइटनिंग दिखने लग जाएगा। बस एलोवेरा में कुछ चीज़ों को मिक्स करके आपको लगाना है। और स्किन पे अगर आपके बहुत ही ज़्यादा डार्कनेस हो गई है, टैनिंग हो गई है, स्किन बहुत ज़्यादा लूज रह रही है, स्किन पे कालापन बहुत ही अधिक हो गया है, झुर्रियाँ झाइयों से परेशान है, तो आज की ये होम रेमेडी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है आपके लिए। आपके स्किन को बहुत ही ज़्यादा टाइट बनाती है, स्किन के शेड को भी लाइटन करती है, साथ ही झुर्रियों झाइयों से भी आपको छुटकारा दिलाएगी। अगर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा डल रहती है, लूज हो गई है, तो भी आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। एक बार आप इस रेमेडी को लगाइए, फिर आप सच में चौंक जाएंगे, इतना इफेक्टिव रिजल्ट्स आपको मिलेंगे इसके। और एक बार में ही आपकी स्किन टाइट जवा और खूबसूरत दिखने लग जाएगी। फिर कभी भी आप पार्लर जाकर महंगे फेशियल ब्लीच करवाना नहीं चाहोगी, तो उसके लिए प्लीज़ पूरा वीडियो जरूर देखिएगा फ्रेंड्स, और मेरे बताए गए तरीकों से इस रेमेडी को लगाइए और बेनिफिट्स उठाइए। उसके लिए सबसे पहले हम एक क्लींजर तैयार करेंगे। तो एलोवेरा का एक छोटा सा टुकड़ा हमने लिया है, उस पर 2-4 बूंद नींबू का रस ऐड करेंगे। अच्छे से मिलाकर इससे हम मसाज करेंगे अपने स्किन के, इससे अच्छे से डीप क्लीन होगी स्किन और स्किन पे जितने भी डर्ट डस्ट वो सब निकल जाएंगे। अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा लिप्स ना हो तो आप नॉर्मल एलोवेरा जेल जो मार्केट से खरीदा हुआ होता है वो भी ले सकते हैं, लेकिन फ्रेश एलोवेरा काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है हमारे स्किन के लिए। स्किन को इंस्टेंटली बेनिफिट्स देना शुरू करता है, स्किन पे पड़ी झाइयाँ झुर्रियों को हल्का करता है, स्किन में कसाव लाता है और बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग ब्राइटनिंग स्किन हो जाती है। और इसमें हमने नींबू का रस भी ऐड किया है, तो उसमें होता है विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स गुण और ब्लीचिंग प्रॉपर्टी जो स्किन को डीप क्लीन करता है और अच्छे से स्किन क्लीन हो जाएगा। तो इस तरीके से हल्के हाथों से मसाज करना है 2-3 मिनट के लिए और उसके बाद पोंछ लेना है इसको। और एलोवेरा का यूज़ करके आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ रेमेडी। और इस तरीके से फ्रेश एलोवेरा ना हो तो आप बाज़ार से ख़रीदा हुआ वाला एलोवेरा भी ले सकते हैं जैसे कि मैंने बताया, लेकिन अगर नहीं है फ्रेश एलोवेरा तो ज़रूर पौधा उसका ज़रूर लगाइए, बहुत ही अच्छा है हमारे स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा वर्क करता है ये। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, एक एलोवेरा का टुकड़ा हमने लिया, उसमें से जेल निकाल लेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपको बताने वाली हूँ, जिसमें हम ऐड करेंगे बारीक पीसने के लिए, वो आपको एक दिन पहले रखना है। कच्चे दूध में चावल को भिगो के रख देना है फ्रीज में, उसके बाद उसमें हम डालेंगे एलोवेरा के साथ उसको और एक पेस्ट तैयार कर लेंगे, स्मूथ सा पेस्ट बनकर रेडी होगा। तो देख पा रहे हैं हमने सफ़ेद चावल को भिगो के रखा था, स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है चावल, और इसमें हमने कच्चा दूध भी डाला है तो स्किन में एकदम ब्राइटनिंग स्किन को बनाता ही है, साथ ही कसाव भी लाता है स्किन में और स्किन को एकदम डीप क्लीन करता है। और फेशियल ब्लीच से कहीं ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगा इस होम रेमेडी को लगाने के बाद। इससे पहले मैंने आप लोग के साथ चावल और कच्चे दूध का एक रेमेडी शेयर किया हुआ था, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था हमारे स्किन के लिए। अगर आप लोग चाहते हैं देखना तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज़रूर चेक कीजिएगा। 2-3 चम्मच के आसपास हमने ले लिया वो जो पेस्ट हमने तैयार किया था, एलोवेरा कच्चा दूध और चावल वाला वो। फिर 1/2 चम्मच इसमें हम संतरे का छिलके का पाउडर डाला है, फिर 1/2 चम्मच मसूर दाल का पाउडर डालेंगे जो कि स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, और भी रेमेडीज आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ उसके। ये हमारे स्किन के कालेपन को दूर करता है, झाइयाँ झुर्रियाँ पिंपल्स की समस्या और साथ ही पिंपल्स के निशान उन सबको दूर करता है, स्किन में बहुत ही तेज़ी से ग्लो लाता है, स्किन के शेड को लाइटन करता है और कितनी भी स्किन पे कालापन हो छट के बाहर आ जाएगी इस होम रेमेडी से। अच्छे से सबको मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा मैंने पेस्ट और डाल लिया इसमें, और इसको आप बनाकर स्टोर कर सकते हैं 1-2 दिनों के लिए, और इसको आप हफ्ते में कम से कम 2 दिन ज़रूर लगाइए। वैसे तो एक बार में ही आपको फ़र्क दिखने लगेगा, लेकिन 2 दिन ज़रूर लगाइए मेरे बताए गए तरीक़ों से। तो अभी हमें 1-2 स्टेप और फॉलो करने हैं, तो प्लीज़ बने रहिएगा वीडियो में, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स। और अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, आपका 1 लाइक काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है हमें। अब हम ये जो रेमेडी बनाया उसे स्क्रबिंग करेंगे। पहले तो हल्का सा रेमेडी हमने अपने हाथों पे लेना है, फिर हल्के हाथों से मसाज करना है हमें, जितने भी डेड सेल्स हैं वो सब निकल जाएंगे, अच्छे से स्किन एक्सफोलिएट हो जाएगा और न्यू सेल्स बनने स्टार्ट होंगे और आपका स्किन अंदर लेयर तक जो रेमेडी पहुंचेगी उससे बहुत ही अच्छे से ग्लो आ जाएगा, साथ ही स्किन पे ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होगी, अच्छे से मसाज होगी जिस वजह से लूज स्किन की प्रॉब्लम भी ख़त्म होगी, झुर्रियाँ झाइयाँ ये सब हल्के होने लग जाएंगे और स्किन से डार्कनेस भी दूर होगा।
और काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव ये होम रेमेडी है फ्रेंड्स, जो कि ऑल स्किन टाइप्स है। इसको मेल फीमेल कोई भी लगा सकते हैं और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। लेकिन अगर आपके स्किन को किसी भी चीज़ से एलर्जी हो जो इसमें हमने ऐड किया है, तो आप स्किप कर सकते हैं उसको। और इस तरीके से आपको मसाज कर लेनी है 2-3 मिनट के लिए, उसके बाद पोंछ लेंगे, उसके बाद हम रेमेडी अप्लाई करेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने हल्के हाथों से मसाज की, उतने में ही आप देखेंगे आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा ब्राइटनिंग दिखने लग जाएगी, एकदम शीशे की जैसी चमकदार स्किन हो जाएगी। और इस रेमेडी को लगातार आप यूज़ करते हैं तो आपकी स्किन एकदम ग्लास स्किन हो जाने वाली है सच में, और फेयर स्किन भी होने लगेगी, स्किन की शेड लाइटन होगी जैसा कि मैंने बताया। उसके बाद रिमूव कर ले रहे हैं इसको, क्योंकि जो भी डर्ट डस्ट जो गंदगी थी, डेड सेल थे, वो सब निकल गए हैं। तो इसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे, फिर इसके बाद हम रेमेडी अप्लाई करेंगे जो हमने बनाया है। काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है सच में, और एक ही बार में फ़र्क दिखने लग जाता है इसका और आप चौंक जाएंगे। महंगे से महंगा पार्लर का जो फेशियल होता है ना, ब्लीच, वो सब सच में आप भूल जाने वाले हैं। और इस रेमेडी को आप चाहें तो 1-2 दिन बीच करके भी लगा सकते हैं, अच्छे से पूरे फेस पे, नेक पे लगा लेंगे। और मोटा सा लेयर लगाने के बाद 20 मिनट के लिए कम से कम रहने देना है, 20-30 मिनट के लिए। उसके बाद हम रिमूव करेंगे लाइव आप लोगों के सामने, तो आप देखेंगे कितना ज़्यादा असर होता है हमारे स्किन पे। अगर आप इस रेमेडी को बनाते हैं और लगाते हैं तो अपना फीडबैक भी हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं 20-30 मिनट लगभग हो ही चुके थे, और अभी बारिश का सीज़न यहाँ पे, तो अच्छे से नहीं सूख पाया था, तो मैं स्पून से रिमूव कर ले रही हूँ। और वैसे भी स्पून से रिमूव करना काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी होता है हमारे स्किन के लिए, स्किन टाइट भी होने लगती है। देख पा रहे हैं कितना ज़्यादा ग्लो आया है, और एक बार में ही आपकी भी स्किन पर ऐसा ही ग्लो आने वाला है। तो ज़रूर बनाइएगा इस रेमेडी को और लगाइए, कोई खर्चा भी नहीं आने वाला है। एलोवेरा तो मिल ही जाते हैं, आस पड़ोस में भी मिलेंगे अगर आपके घर पे ना हो तो, और सच में बहुत ही ज़्यादा असरदार ये घरेलू नुस्खा है। आप लोगों को कैसा लगा है बताइएगा हमें कमेंट करके। और फिर गीले कपड़े से पोंछ ले रही हूँ, उसके बाद नॉर्मल पानी से अच्छे से स्किन को धो लेंगे। तो मैं दिखला देती हूँ किस तरीके से धोने के बाद स्किन जो है चमक रहा है, एकदम शीशे के जैसे चमकदार स्किन हो जाएगी। लेकिन इसके बाद हमें अप्लाई करना है हल्का सा रोज़ वाटर अपने फेस पे, और फिर मॉइस्चराइज़र लगाना है। अगर आप दिन में लगा रही हैं ये रेमेडी, तो सनस्क्रीन भी ज़रूर लगाइए, हर रोज़ 2-3 बार सनस्क्रीन ज़रूर लगाइए। एक ही बार में इतना ज़्यादा स्किन पे ग्लो आ गया सच में। तो इसी बात है, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए अगर लाइक नहीं किए हैं तो, और पहली बार आए हैं चैनल पे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा वीडियो को, जिनके लिए हेल्पफुल है उनको ज़रूर शेयर कीजिए फ्रेंड्स। और अपना प्यार और अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखिए। और देख पा रहे हैं स्किन कितना ज़्यादा ग्लो कर रहा है, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेमेडी को, एक बार में ही आपको फ़र्क दिखने लग जाएगा। तो अभी मैं लगा ले रही हूँ मॉइस्चराइज़र, और जैसे कि मैं आपको बताती हूँ फ्रेंड्स, जो भी रेमेडी मैं लगाती हूँ तो शाम को ही लगाती हूँ अधिकतर, इसीलिए मैं सनस्क्रीन नहीं लगा रही हूँ। वैसे इस मॉइस्चराइज़र में हल्का सा सनस्क्रीन ऐड भी है, जैसे कि लैक्मी का पीस मिल्क मॉइस्चराइज़र, इसमें सनस्क्रीन 24 PA++ ऐड था, और बहुत ही ज़्यादा ब्राइटनिंग स्किन हो जाती है सच में। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, आई होप आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।